राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के जनपद इकाई के सदस्यों ने अपने संगठन के सचिव एवं अपर अभियंता इंजीनियर अभिषेक यादव के नियम विरुद्ध तरीके से उत्पीड़नात्मक स्थानांतरण के विरोध में मोहद्दीपुर स्थित मुख्य अभियंता वितरण के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे जूनियर इंजीनियर संगठन के अभियंताओं का कहना था कि अपर अभियंता का तबादला स्थानांतरण नीति के विपरीत किया गया है, जो मान्य नहीं है, जिसका संगठन घोर निंदा करता है। अगर उनके तबादले को निरस्त नहीं किया गया तो संगठन के कार्यकर्ता चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा, समस्याएं बहुत आती है, यदि आप लेंगे तीन दीदी उस नीति के तहत समाप्त कर दिए। आलोक कुमार सर है, उन्होंने कहा ठीक है, मैंने राजकुमार जाति को मीटिंग भेज देता हूँ, जैसे जाति समुदाय संघ के जो केंद्र कार्यकारी है, उन्होंने कहा कि जो निंदा का मीटिंग मिल चुका होगा वहाँ बैठे हुए, लेकिन कुलशन मैडम ने कहा है एक आदमी से जाति है, इसकी हम जांच करेंगे और इसको देखने भी अगला प्रमोशन होता है। सभी संगठनों का है 1500 के एक है का उन्होंने खुद रखा था कि 300 संबंध का नाम चेंज कर दिया जाए। सभी विभागों का सभी कर्मकर्ताओं का पेंशन बना परिस्थिति टूट के, तब से आपका पेंशन बाकी का था राजनीति की परिषद के 5 कंपनियों में छोड़ा गया, जो भी कर्मचारी फील्ड में काम कर रहा है। अजय कुमार, प्रांतीय अध्यक्ष, पावर कॉर्पोरेशन, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन। हमारी डिमांड बहुत छोटी सी है, एक हमारे और अभियंता को जानबूझ करके उत्पीड़न के तहत यहाँ से आगरा ट्रांसफर कर दिया गया है, और दूसरा 3 लोगों को गलत तरीके से गलत तथ्यों के आधार पर निलंबित कर दिया गया है। हम 3 तारीख से लगातार आंदोलन पे हैं, लेकिन मुख्य अभियंता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अभी तक किसी भी मसले को सुलझाने के मूड में नहीं है, न इन्होंने कोई वार्ता किया, न मसला सुलझाया है। कल की आंधी के बाद आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग फोन उठाना बंद कर दें और लाइन मेंटेन कराना बंद कर दें तो पूरे मतलब चारों जिलों की लाइन की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग मजबूर होकर के जनता का हित देखते हुए सिर्फ हम लोग लाइन बनवा रहे हैं कि जनता को परेशानी न हो। अभी अगर इनका ऐसे ही हठधर्मी रवैया रहा तो हम इनको नोटिस दे करके अपने CUG मोबाइल बंद करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ जनता का हित देख करके CUG मोबाइल बंद नहीं कर रहे हैं। अपनी रणनीति ये है कि अगर इन्होंने 2 दिन बाद त्योहार है तो त्योहारों के दृष्टिगत 3 दिन की छुट्टी है, उसमें हम लोग काम कराएंगे। उस त्योहार के बाद भी अगर इनकी मनमानी जारी रही तो 13 तारीख के बाद 13-14 को हम लोग जबरदस्त आंदोलन करने वाले हैं और 15 अगस्त को हम लोग पूरी तरह से काला दिवस मनाएंगे मुख्य अभियंता के खिलाफ।